भारत की सबसे पॉपुलर पैकेज्ड वाटर कंपनी बिस्लेरी बिकने जा रही है। 7000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी को टाटा ग्रुप खरीदने वाली है। इस कंपनी को खरीदने की कतार में नेस्ले और रिलायंस जैसी कंपनियां भी थी, लेकिन बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान ने अपनी कंपनी टाटा के हाथों में सौंपने का फैसला किया है। जिस कंपनी को साल 1969 में उन्होंने 4 लाख रुपए में खरीदा था, उसे बेचने का फैसला आसान नहीं था। एक मीडिया कंपनी को इंटरव्यू के दौरान 82 साल के रमेश चौहान ने बताया कि उन्होंने टाटा ग्रुप को बिस्लेरी बेचने का फैसला क्यों किया। साथ ही रमेश चौहान इस दौरान इमोशनल भी हो गए। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को मैंने बच्चे की तरह पाला, उसे मरने नहीं दे सकता। बिस्लेरी को खरीदने के लिए रिलायंस और नेस्ले जैसी कंपनियां रेस में थी, लेकिन बिस्लेरी ने इसे टाटा को सौंपने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे की जो वजह उन्होंने बताई वो बेहद भावुक कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो उनकी इस कंपनी को आगे ले जा सके। उनकी बेटी जयंती इस कारोबार में खास दिलचस्पी नहीं रखती है। रमेश चौहान ने कहा कि वो इस कंपनी को मरने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बेचने का फैसला लेना पड़ा। टाटा के हाथों अपनी कंपनी सौंपने के बारे में उन्होंने बताया कि वो टाटा को जानते हैं, उनके काम और ईमानदारी से वो परिचित है। उन्होंने कहा कि मुझे टाटा कल्चर और जीवन को लेकर उनके मूल्यों का सम्मान पसंद है। उन्हें भरोसा है कि देश की पुरानी कंपनियों में से एक टाटा उनकी इस कंपनी को संभाल कर रखेगी। 82 साल के चौहान ने कहा कि मेरी कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनियां आक्रामक रूप से तैयार थी, लेकिन टाटा के भरोसे के कारण कंपनी उन्हें सौंपने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इस डील को लेकर पिछले 2 सालों में कई बार टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर की CEO सुनील से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें भरोसा हो गया कि ये लोग काफी अच्छे हैं और उनकी कंपनी का अच्छे से बल्कि उनसे बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। रमेश चौहान अपने कारोबार के बिकने से बेहद भावुक है। उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला पैसों के लिए नहीं लिया है, मैं कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित था। कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है जो उसका ख्याल उस तरह से रखे जैसे मैंने रखा है। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है इस कंपनी को खड़ा करने में। जब बेटी की दिलचस्पी इस कारोबार को लेकर नहीं दिखी तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे पैसे नहीं बल्कि वैसे ही जुनूनी लोगों की तलाश थी जो मेरी इस कंपनी को आगे ले जा सके। बिस्लेरी का इतिहास भारत में करीब 5 दशक पुराना है। भारत में बिस्लेरी को पॉपुलर और बोतल बंद पानी बेचने का श्रेय रमेश चौहान को जाता है। उन्होंने इस कंपनी का सौदा केवल 28 साल की उम्र में किया था। अब उनकी उम्र बढ़कर 82 साल हो चुकी है। अब रिपोर्ट की माने तो रमेश चौहान ने बिस्लेरी को बेचने के पीछे कई कारणों में से एक कंपनी में बेटी जयंती की कम दिलचस्पी को भी बताया है। उनकी बेटी और बिस्लेरी की वाइस चेयरपर्सन जयंती इस कारोबार को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, जिसके चलते अब बिस्लेरी को बेचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ बता दे कि बिस्लेरी के चेयरमैन और MD पद की जिम्मेदारी रमेश चौहान के कंधे पर है। वही उनकी पत्नी जैनब चौहान कंपनी की डायरेक्टर है। रमेश चौहान की बेटी जयंती ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 24 साल की उम्र में बिस्लेरी ज्वाइन की। उन्होंने 2011 में मुंबई ऑफिस का कार्यभार संभाला। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ वो पुराने प्रोडक्ट के ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में भी शामिल रही। अभी वो कंपनी में वाइस चेयरपर्सन है। इसके अलावा जयंती शौकिया फोटोग्राफर और